सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। सावन है और ऊपर से बड़ा गुरुवार, अद्भुत संयोग बना हुआ है। ढेर सारे शुभ योगों के साथ ये गुरुवार आया है। आज से पूरे 142 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे अपने घर। अभी देवगुरु चल रहे हैं वक्री और मकर राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। जब वो अपने घर आएंगे तो उनको साथ मिलेगा केतु का। ऐसे में आप तमाम राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि वालों, आपके भाग्य भाव में देवगुरु का आना आपकी परेशानियों को कम करेगा। विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग बनाएंगे, संतान की प्राप्ति होगी और विदेश यात्रा और साथ ही आप अपनी योजनाओं को अपने तक ही रखकर आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलेगी। वृषभ राशि वालों, अष्टम भाव में धनु राशि में स्वग्रही हुए हैं गुरु। अब यहाँ पे पद प्रतिष्ठा तो वृद्धि करेंगे लेकिन दूसरी तरफ आपको चोट चपेट दुर्घटना जैसे योग भी आपके लिए बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी वगैरह के तक आप ना जाएं तो अच्छा है। अगर किसी तरह की कोई बात है तो बाहर ही सुलझा ले, नहीं तो आप बुरे फंसेंगे। वैसे आकस्मिक धन लाभ होगा। जो मिथुन वाले हैं उनके लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार ना करें। हालांकि राज्य सरकार से लाभ होगा इसलिए यहाँ पर आपको सरकारी काम वगैरह पूरे जरूर कर लेना चाहिए। जो कर्क राशि वाले हैं आपके लिए गुरु का ये परिवर्तन अच्छा नहीं है क्योंकि शत्रु भाव में जाने के कारण आपके शत्रु बढ़ेंगे। इस समय आपके विरोधी बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकते हैं लेकिन वो आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इस समय किसी को उधार देने लेने से बचिए तो अच्छा होगा। सिंह राशि वालों, पंचम भाव में बृहस्पति का आना आपके लिए आपकी खुशियों का दरवाजा खोलेगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छी जॉब और संतान की प्राप्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा और इस समय किसी से वाद विवाद ना करें। जो कन्या वाले हैं चतुर्थ भाव में देवगुरु के आने से आपके माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको हालांकि ध्यान रखना होगा लेकिन अपना मकान भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। दोस्तों का अपनों का सहयोग मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तमाम कार्य सरलता से पूरे होंगे। जो तुला वाले हैं उनके पराक्रम भाव में देवगुरु के आने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचे नहीं तो नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा भी करवाएंगे गुरु। जो वृश्चिक वाले हैं धन भाव में देवगुरु के आने से धन के मामलों में खूबसूरती आ रही है क्योंकि यहाँ पर आपके घर में महंगी चीजें आएंगी, सुख साधन बढ़ेंगे लेकिन क्रोध करने से बचिए, कोई भी काम में एकदम उतावला मत होइए। हालांकि इस समय विवादों से दूर रहें तो अच्छा है। धनु वालों, देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर आपके लग्न में बैठे हैं तो सपने आपके सच होंगे, यानी यहाँ पर संतान का सुख मिलेगा, कोई बड़ा कार्य मिलेगा, अपना घर भूमि भवन की प्राप्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और तमाम जो नव दंपत्ति हैं संतान का प्राप्ति हो रहा, प्रयास जरूर करें। मकर वालों, बारहवें भाव में देवगुरु के आने से आपका धर्म कर्म की तरफ बढ़िएगा और लेकिन इस समय शत्रु विरोधी से आपको सावधान रहना होगा, कहीं कोई षड्यंत्र ना रचे इसका ध्यान रखिए। वैसे आप अपने बुद्धिमानी से तमाम चीजों को अपने पक्ष में करेंगे लेकिन बेवजह कहीं विवाद ना करें। जो कुंभ वाले हैं लाभ भाव में देवगुरु के आने से जीवन में सुख साधन बढ़ेंगे और इस समय आपका कोई अपना आपको हानि पहुंचा सकता है तो विश्वासघात लोगों से सावधान रहें और परिवार में भी किसी से मतभेद ना करें। वैसे पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती दिखती है, खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। जो मीन वाले हैं कर्म भाव में देव गुरु के आने से आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपके निर्णय हमेशा ही सही होंगे, कार्य क्षेत्र के विस्तार भी होंगे, अपना मकान भूमि भवन वगैरह लेने के अच्छे योग भी बनाएंगे।